मत जाओ। मेरी मम्मी चली गई, अब तुम भी जा रही हो। अब मैं किसके पास रहूंगी? मुझे कौन सुलाएगा, कौन खिलाएगा? तुम बहुत अच्छी हो, तुम रुक जाओ। तुम मेरी मम्मी बन जाओ, प्लीज मत जाओ मम्मी। मम्मा कहीं नहीं जाएगी। सच्ची सच्ची, गॉड प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। आई लव यू मम्मा, आई लव यू टू बच्चा, आई लव यू सो मच। डू इट अगेन। आपसे कोई शिकायत नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आपने हमें दे दी। मेघा के रूप में इतना खूबसूरत तोहफा दिया है कि आप कुछ नहीं मांग सकते। हमने जो गलतियां की उन सब के लिए हमें माफी दे दीजिए। हमें माफी दे दीजिए। रिमझिम, गोपाल जी ने हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। हमारी मेघा वापस लौटा दे। दादाजी छोड़ना नहीं। नहीं नहीं, राजस्थानी ट्रेन है। ट्रेन में कौन सा देखो बेटा। अरे नहीं, हम छोटे स्टेशन पे नहीं रुकते। कौन से नंबर पे डालो? 1 पे। मेघा के चेहरे पर सुकून देखकर दिल को बहुत तसल्ली हो रही है। हाँ, मुझे अब पूरा यकीन हो गया कि मेघा ठीक हो जाएगी। हो ना हो, मेघा की कंडीशन धीरे धीरे सुधर रही है, काफी रिलैक्स लग रही है अब। हाँ, और अब ज्यादा खुश भी रहती है। उसका ऐसे पॉजिटिव रिस्पांस देना अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी अनुराग, तुम अपना काम वाम छोड़ के यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो, मेघा को तो ठीक होना ही है ना। जयंती, अनुराग जयंती ठीक ही तो कह रही है। तुम्हारी और रिमझिम की कोशिशों की वजह से ही तो मेघा ठीक हो रही है। नहीं, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। और वैसे भी ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई है। मेघा कभी भी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे फिर वैसे ही रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि दिमागी रूप से अभी भी वह बच्ची है। ओम, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। मेरी एक बार बात तो सुनो। हाँ, इस बार। It's too late now. अब कुछ नहीं हो सकता। ओम, क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? मॉम, मुझे आप सब लोगों से कुछ बात करनी है। हम सुन रहे हैं, बोलो। मैं शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एमडी की पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूं। क्या? ओम, कि तुम क्या कह रहे हो? तुम रिजाइन क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं अपना बिजनेस अलग से करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ऑन बिजनेस। और हाँ, कल सुबह शायद मुझे अपने काम से निकलना पड़ेगा। वो काम ही ऐसा है कि मुझे घर शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। नाना जी, आप ही समझाइए ना, मेरी बात तो सुनने कोई तैयार नहीं है। देखो बेटा ओम, बस नाना जी। ओम, ओम बेटा, ओम, ओम, ओम। मेरी एक बार बात तो सुनो। तुम एक बार ठंडे दिमाग से तो सोचो, इतनी जल्दी कुछ नहीं सोचना है मुझे। और तुम्हें भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओम, मैंने एक फैसला लिया था ना, और मुझे आशा है कि तुम भी उस फैसले में मेरा साथ दे रही हो। ओम, एक बार। एंड दैट इज फाइनल। लेकिन ओम, क्या हुआ तानिया? ये सब आपकी वजह से हुआ है। तुम्हें क्या लगा था तुम जैसा जैसा सोचोगी वैसा वैसा होता जाएगा? खुद को भगवान समझ लेगी। तानिया, तुमने कितनी कोशिश की, लेकिन सब बर्बाद हो गया। और किसने किया? तुम्हारे ही पति ने। तुमने उनको भड़काने की कोशिश की, बहकाने की कोशिश की, लेकिन जानती हो कामयाब क्यों नहीं हुई? क्योंकि ओम में स्वाभिमान है। एक एडवाइस करते हैं, जानते हैं बेकार है। सुधर जाओ, अब भी वक्त, वरना कहीं तुम्हारी ऐसी हालत ना हो कि तुम कहीं की ना रहो, ना ओम की, ना इस घर की, और ना मोहिनी की। अरे पापा, बैठो बैठो। कुछ काम था पापा? तो कुछ खास काम तो नहीं था, लेकिन तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए पापा। ये जो तुमने फैसला लिया है कि शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनी से तुम रिजाइन कर रहे हो, ये क्या तुमने सोच समझ के लिया है? जी पापा, मैंने अच्छी तरह से सोच समझ कर ये फैसला लिया है। लेकिन ओम, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा एक आज आने वाले 2 कल से ज्यादा कीमती होता है। इसलिए आज ऐसा फैसला करो कि आने वाले कल में तुम्हें पछताना ना पड़े। And I'm sure, तुमने जो फैसला किया है बिल्कुल सही है। खाक सही फैसला किया है। तुम भी ना ओम, अपने पापा की तरह होश में कम, जोश में ज्यादा बातें करते हो। मामा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। बहुत भोले हो तुम हो, लेकिन इस घर के कुछ लोग ऐसे हैं जो जरूरत से ज्यादा चला के जिसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। What you want to say, Mom? ओम, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि इस घर के कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते कि तुम बर्बाद हो, नहीं चाहते कि तुम कामयाब इंसान बनो, जिंदगी में कुछ अचीव करो। इसलिए वो तुम्हारे सामने ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें उलझकर तुम गुस्से में कोई ऐसा फैसला कर बैठो जिसमें। प्लीज मॉम, मैं आपसे पहले भी ये 1000 बार कह चुका हूं कि मैं फैसला कर चुका हूं और अब ये फैसला बदलेगा नहीं। प्लीज नाना जी, नाना जी। तानिया बेटा, आओ बैठो। मैं एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ आपके पास। ओम घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है नाना जी, अगर आप उन्हें रोकेंगे ना तो वो रुक जाएंगे। प्लीज नाना जी उन्हें रोक लीजिए ना। इस घर में जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। मैं तेरी व्यथा समझता हूँ बेटा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरी मजबूरी समझ। इस घर के मामलों में मैंने एक अरसे से दिलचस्पी लेना छोड़ दिया। घर के लोग भी मुझे अपने फैसलों में शामिल करना गैर जरूरी समझते हैं। कई मर्तबा तो मेरी राय भी नहीं पूछते। अब बेटा ऐसे में मैं किसी से कुछ कह दूं और वो मेरा अपमान कर दे, मजबूर हूं मैं, असहाय हूं। माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। नाना जी मुझे इस बात का दुख नहीं कि ओम बिजनेस से अलग हो रहे हैं। दुख तो इस बात का है कि जिस घर से मुझे इतना प्यार मिला मुझे उस घर के लोगों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। हेलो तानी, क्या हुआ वहाँ पर? जिस बात का डर था वही हुआ। राकेश ने जाने से पहले अपनी सारी पावर सोहम को दे दी। क्या? और गुस्से में आकर ओम घर छोड़ने की बात कर रहा है। तानिया, ओम को किसी भी तरह से तुम्हें रोकना पड़ेगा। मैं जानती हूँ। तो तुमने सोचा है कि किस तरह से तुम उसे रोकने वाली हो? जो कुछ करना है अब मैं खुद करूँगी। और हाँ, अपने घटिया आइडियाज़ मुझे देने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे उनकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेघा शोर मत मचाओ, चलो आओ सोने आओ। मेघा, कितनी नींद भरी है तुम्हारी आंखों में। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। गलत बात, अच्छे बच्चे टाइम पर सोते हैं और टाइम पर उठते हैं। अच्छा आओ, हम तुम्हें कहानी सुनाते हैं, चलो आओ। ओके गुड गर्ल। चलो हम कौन सी कहानी सुनाएं? कोई भी। चलो हम आपको राजकुमारी की कहानी सुनाते। एक बार एक राजकुमारी थी, बहुत सुंदर थी, एकदम हमारी मेघा की तरह, बहुत प्यारी थी। उसके पता है लंबे लंबे बाल थे। वो जहाँ रहती थी ना उसका पैलेस बहुत बड़ा था। मेघा सो गई। तुम बताओ आगे क्या करने का सोचा? आंटी इसमें सोचने की क्या बात है, काम तो वही करना है और आजकल मैं कहीं और नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई होप मुझे जल्द ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी। ईशा तुम्हें नहीं लगता कि काम के साथ साथ तुम्हें अब अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए? कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें भूल जाना चाहिए और उन्हें भूलकर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। ईशा जी आंटी मैं कोशिश करूंगी। गुड, हमें तुमसे यही उम्मीद है। कब से इस तरह उदास बैठे हैं, आपको इसे देख के अच्छा नहीं लग रहा। उसमें दुख के अलावा और कुछ महसूस किया भी नहीं जा सकता। तान्या और ओम कहाँ है? ओम कल सुबह जाने की बात कर रहा। तो बुलवा लो उन्हें, कम से कम आज की रात तो हम साथ में खाना खा सकते हैं ना। पता नहीं कल फिर मिले या। बाबूजी ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग जा रहे हैं लेकिन बहुत जल्द वापस आएंगे। हम अभी उनको बुला कर लाते। रिमझिम बेबी जहाँ तक मुझे याद है तान्या बेबी कहीं बाहर गई थी। तान्या अविनाश अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज तक इस घर में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, अगर आपकी और राकेश अंकल के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अगर आज ओम घर छोड़कर जाने की बात कर रहा है या फिर ये घर बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हुआ है, कुछ मेरी माँ की वजह से। ये तुम क्या कह रही हो तान्या? हाँ तान्या, हमारी फैमिली की प्रॉब्लम्स के लिए तुम्हारी माँ कैसे जिम्मेदार हो सकती है? नहीं जिम्मेदार है, आप लोग नहीं जानते। आपकी फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ था वो मेरी बुआ नहीं कराया था।